मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडेफिनिट टेंस के विषय में एक्टिव से पैसिव वाइस बनाना सिखाया था, वह भाई रूपाई के माध्यम से। रूपाई का नियम तो लागू ही लागू है, हर एक पे लागू हो जाता है, यह आप देख चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, आज मैं अभी वीडियो के अंत में उसका उत्तर बताऊंगा और एक अगला प्रश्न दूंगा। चलो शुरू करते हैं। अगर कंटिन्यूअस टेंस की अगर पैसिव वाइस बनाने को आए तो सबसे बड़ी बात है केवल एक नियम की आवश्यकता, ऑनली वन रूल, बीइंग कंटिन्यूअस में एच भी ना हो चेंज। देखते हैं, बीइंग कंटिन्यूअस में एच भी ना हो चेंज, कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब का बदलाव नहीं किया जाता, अर्थात उसमें रूप तो बदलता है लेकिन अगर प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रहेगी, पास्ट की है तो पास्ट की रहेगी। इस प्रकार से आपको इसे आगे लेके चलना है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, दे आर वर्शिपिंग गॉड, वे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। मैंने देखते ही पता चल गया आईएनजी जहां होता है तो सबको पता है आईएनजी बिना कंटिन्यूअस नहीं होता, सबको पता है इसलिए ये कंटिन्यूअस तो है, लग गया आर यहां देख लिया मैंने, आर यहां देखा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर आ रहा है। तो इज आर एंड इन तीनों में से जो भी वर्ब आएगी वही लगाई जाएगी। तो आगे देखिए और बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। अब इस प्रकार से हमने देखा कि हम करते क्या है, जहां पर सब्जेक्ट है वहां हम ला देते हैं ऑब्जेक्ट और जहां ऑब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट ले जाते हैं, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव में बदलने पर बाय लगा देते हैं, इतना हर बार में करते हैं। देखिए आप लोग देखिए इसे, गॉड सब्जेक्ट की जगह पर हम ऑब्जेक्ट लाए गॉड। अब गॉड के बाद क्योंकि गॉड सिंगुलर नंबर है इसलिए ये इज, उसके पश्चात बीइंग का प्रयोग, बी ई आई एन जी, बीइंग फिर वर्ब आई है वर्शिप्ड, बाय वर्शिप्ड बाय दे का हो गया देव, फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा सेंटेंस इसी प्रकार से, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, सीधा सीधा वही सबसे पहले टेंस पहचान लिया और ओ पहचान लिया, ऑब्जेक्ट पहचान लिया, तो ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर पहले ला दिया गया, अ लेटर। अ लेटर के पश्चात क्यों सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, इज अ लेटर इज नॉट, अ लेटर इज नॉट टू नॉट लगा हुआ, बीइंग रिटन बीइंग लगाइए, थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम बन गया। अगला देखते हैं, एम आई फॉलोइंग द रूल्स, क्या हम नियमों का पालन कर रहे हैं, ये भी एम मिल गया। एम देखते हैं परंतु जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये देख करके आप बता सकते हैं, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही वर्ब लगेगी, बस बीइंग का एक्स्ट्रा प्रयोग करना है। अब देखिए सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाते लाते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को करना इंटरचेंज, अभी हम लाते हैं तो यहां जहां पर एम था देखा द रूल्स, रूल्स प्लूरल में है तो यहां लाना पड़ेगा आर, जहां जो चीज है वो वहीं रहती है आर, जहां सब्जेक्ट है वहां द रूल्स ला दिया, द रूल्स, फिर उसके पश्चात लाना होता है बीइंग, क्योंकि मेन वर्ब के पहले बीइंग का आना जरूरी होता है, बीइंग फॉलोड, फॉलो फॉलोड फॉलोड,
बाई आई का क्या हो जाता है मी। इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव भी रहेगा। अगला सेंटेंस है वेरी वाज ही वॉशिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े कब धो रहा है, कब धो रहा था आ गया है, वाज मिल गया मुझे, टेंस पता चल गया, पास्ट कंटिन्यूअस है, जब पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें वाज या वर ही वर्ब आ सकती है। आप देखें इसे भी उसी प्रकार से ये बता ही चुके हैं, बहुत सारा अभ्यास आप लोग कर चुके हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि आपको ऐसा नहीं आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो कृपया जरूर कमेंट करें और हमें बताएं। Then was he washing the class, तो then जहां पर है इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है, जो WH टाइप वर्ड होता है, उसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं, तो इसको ज्यों का त्यों उतार दिया, जहां पर था वही उतार दिया then। अब यहां पर देखा द क्लास प्लूरल है, इसलिए वर्ब लगाया जाएगा, वास नहीं आएगा, क्या आएगा वर्ब, क्यों प्लूरल के साथ प्लूरल आता है, वर्ब द क्लास। फिर लगेगा बीइंग, अब इसकी थर्ड फॉर्म वास की, वास्ट बाई हिम, ही का हो गया हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस प्रकार से ये आपके सेंटेंस बने, चार सेंटेंस इसके और हैं, ये भी हम देखते हैं किस टेंस में है, हमें पता चलेगा देखने पर। मधु वाज प्लेइंग चेस, मधु चेस खेल रही थी, वाज लगा हुआ है, पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज या वर्ब लगेगी, ज्यों का त्यों, जहां सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट, तो मधु के स्थान पर चेस लगा दो, चेस, चेस अकेला है इसलिए वाज लगाइए, बीइंग, बीइंग कंटिन्यूअस में एच भी ना हो चेंज, बीइंग प्रेड फिर मेन वर्ब लाते हैं बीइंग के बाद, और फिर बाई मधु सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, बन गया सेंटेंस, कोई कठिनाई नहीं आ रही है, ऐसे आप लोग बनाएंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, कोई भी हो बिना प्रैक्टिस के कुछ होता नहीं। यू वर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, अब यहां पर वर्ब देख लिया मैंने, तो देखने से पता चल गया ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो अब यहां ऑब्जेक्ट देखा, एनी क्वेश्चन अकेला है, तो यहां पर जहां वर्ब लगा हुआ है वहां क्या आ जाएगा वाज, और यू की जगह पर आना है एनी क्वेश्चन, तो एनी क्वेश्चन वाज नॉट बीइंग, वर्ब लगी हुई आस्किंग, आस्क्ड थर्ड फॉर्म, आस्क्ड बाय यू, निगेटिव था तो निगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव रहेगा। अब अगला सेंटेंस है वाज ही ब्रेकिंग द मिरर, देखते ही पता चला इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब पैसिव में पहले आएगी। अब यहां देखा मैंने द मिरर ऑब्जेक्ट है, द मिरर के आधार पे वाज ही आया कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें देख करके पता ही चल जाता है, तो यहां पर आया वाज, ये ला लेते हैं ही की जगह पर द मिरर, वाज द मिरर बीइंग ब्रेका ब्रोकन, बीइंग ब्रोकन बाई ही, बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अंतिम सेंटेंस वाई वर दे बाई दीज बुक्स, वे ये पुस्तकें क्यों खरीद रहे हैं। अब यहां देखा मैंने बताया जब इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए अर्थात कहने का मतलब है WH टाइप वर्ड आ जाए तो फिर क्या करते हैं उसको ज्यों का त्यों उतारते हैं वाई। फिर देखा यहां ऑब्जेक्ट है दीज बुक्स प्लूरल में है इसलिए वर जहां पर है तो वर ही लगा रहेगा क्यों प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है। दे जहां पर लगा हुआ है वहां लाना पड़ेगा दीज बुक्स,
Why were these books? क्या लगेगा? These books. Why were these books? बाद में क्या लगाएंगे? Being. Verb आनी है main verb. B-E-I-N-G, being. और main verb है by what? Being bought. Being bought. बाई दे लगा हुआ है तो दे का क्या हो जाता है बाई देम। इस प्रकार से देखें तो आपकी कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस पूरी हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि फ्यूचर का मैंने कोई भी सेंटेंस नहीं दिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस नहीं दिया। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस मैंने क्यों नहीं दिया, इसका आंसर आपको बताना है। और जो पिछले वीडियो का आंसर था, मैंने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो आप ध्यान रखें सेकेंड फॉर्म सदैव और सदैव विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती। और अगर आती है तो पूरी तरह से एडजेक्टिव का काम करती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जानते हैं। आगे और सारे वीडियो आएंगे जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बताता जाऊंगा। अगला एक आपका जो वीडियो हमें डालना है वो है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का वीडियो अगला डालते हैं। तब तक आप बताना है आपको कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती। तब तक के लिए नमस्कार, आप स्वस्थ सानंद रहें और लगातार वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और इसका अभ्यास करते रहें। और अभ्यास में जो कठिनाइयां आए उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। बस आगे चलता रहेगा, हम आप जुड़े रहेंगे और आपको इंग्लिश आती रहेगी और मैं इसी प्रकार से आपको कुछ न कुछ नया देता रहूंगा। आप स्वस्थ सानंद रहे, बस इसी के साथ।